हाँ वेलकम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्लियर आप लोग को? हाँ वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। अच्छा, आप लोग क्या ईद के बाद रिव्यू करेंगे जिन्होंने नहीं किया रिव्यू पेपर का? मैम आप मार्क्स कब अपलोड करेंगी? मंडे तक ठीक है मैम। इंशाल्लाह मंडे तक अपलोड कर दूंगी। मैम क्विज के मार्क्स भी? क्विज के मार्क्स भी उसमें ऐड कर दूंगी। चले वो भी अपलोड कर दूंगी। असाइनमेंट रह जाएगी, अगर असाइनमेंट चेक होगी मंडे तक तो वो भी फिर साथ ही अपलोड कर दूंगी। कुछ लोगों की रहेगी है। ठीक है मैम। अच्छा पेंसिलीन, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी आ जाए ताकि ये खत्म हो जाए टॉपिक। ताबिंदा, कुछ पूछना चाह रही हैं? यस मैम, वो दो एमसीक्यूज का बोला था आपको, आपने कंसीडर किए अभी कि नहीं? मुझे आपकी आवाज बहुत ऐसा आ रही है, जरा ऊंचा बोले। मैम दो एमसीक्यूज का कहा था आपको, आज रिव्यू किया था पेपर का। अच्छा, मैंने वैसे दो आपने एमसीक्यूज कहे थे। एक एमसीक्यू तो था एस्ट्रोजन थेरेपी, ठीक है? एस्ट्रोजन थेरेपी में मल्टीपल ड्रग्स दी जाती हैं। अगर तो एक ड्रग दी जाए तो वो तो हो सकता है कि हॉट फ्लैशेस कर दे, लेकिन अगर मल्टीपल ड्रग्स दी जाती हैं तो वो जाहिर है एस्ट्रोजन थेरेपी का इफेक्ट पूछा था। तो एस्ट्रोजन थेरेपी का इफेक्ट ये होता है कि वो फ्लैशेस कम करती है, हॉट फ्लैशेस, ठीक है, रेडनेस वगैरह को कम कर देती है। और दूसरा जो था वो मैंने भी चेक नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला। ये तो मुझे सिर्फ ज़हन में आया कि एस्ट्रोजन थेरेपी में जो कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होता है। बहरहाल फिर भी मैं आपका दोबारा चेक करके दोनों का आपको बता दूंगी, ठीक है? अगर हुआ कोई तो फिर मैं जरूर उसमें मार्क्स एड अप कर दूंगी। एक वो ग्रोथ वाला आपने कहा था और एक वो, ठीक है, Yes. वो जब अपलोड करूंगी तो फिर मैं उससे पहले कंसर्न कर लूंगी, देख लूंगी कि वो स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ था। ओके मैम। अच्छा पेंसिलीन जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसने अपने लैब के अंदर स्टेफिलोकोकस का कल्चर बनाया था। जब उसने कल्चर बनाया तो उसने कुछ देर के लिए जब छोड़ा तो उस पर मोल्ड लग गया। तो उसने देखा कि कुछ अरसे बाद ये डिस्कवर हुआ कि जो मोल्ड होता है पेंसिलीन उस जो लगी है उसने बैक्टीरियल जो स्टेफिलोकोकल कल्चर था उसको ख़त्म कर दिया। उसमें से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसलिए पेंसिलीन यूज़ की जाती है। पेंसिलीन बहुत कॉमन इसका यूज़ है, जो भी जितने भी ईयर इन्फेक्शन हो जाएंगे, यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए यूज़ होती है पेंसिलीन जो है इसका। ये इसके वो आती है 6 लाख और 12 लाख डोज में आती है ये, और ये अक्सर बच्चों को इंजेक्ट की जाती है जिनको टॉन्सिलाइटिस होता है, ईयर इन्फेक्शन होता है, ये उनको दी जाती है। बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज की जाती है, 6 लाख और 12 लाख डोज में आती है ये। अच्छा, पेंसिलीन पर वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। पेंसिलीन आर कॉल्ड बीटा लैक्टम, इनके अंदर रिंग होता है जो बीटा लैक्टम होता है उसको रिंग को कहते हैं, इसलिए इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करके इस रिंग को इसकी रिंग की डिस्ट्रक्शन करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। पेंसिलीन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, अ बीटा लैक्टम रिंग, थायजोलाइडीन एंड साइड चेन। ये थायजोलाइडीन और जो बीटा लैक्टम रिंग है ये सिफेलोस्पोरिन जो अगला ग्रुप है उसके अंदर भी है, और ये दोनों फ्यूज करेंगे तो एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। In a complete structure of penicillin, the beta lactam ring and thiazolidine fuse together for antibacterial activity. The side chain determine the antibacterial spectrum. जो side chain है वो determine करेगा कि कितनी कौन सी antibiotic का जो है pharmacological effect क्या है इस antibiotic का, यानी किस किस bacterial infection में ये देंगे, वो R group determine करेगा जो R side chain पे है। इसमें जो पेंसिलीन है इसके बहुत सारी इसमें मेंबर्स हैं,
और आर चेन के चेंज होने की वजह से मेंबर चेंज हो जाता है इस ग्रुप के अंदर. द कार्बोक्सिलिक साइड चेन पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स रिकॉग्निशन एंड आर ग्रुप ऑन एसाइल अमाइनो साइड चेन चेंजेस विद डिफरेंट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. ये कार्बोक्सिलिक साइड चेन है और जो इसमें आर ग्रुप साइड चेन है, ये दोनों, इन दोनों की वजह से जो एंटीबायोटिक का मेंबर चेंज हो जाता है. होता है पेंसिलिन के अंदर ही डिफरेंट मेंबर्स हैं जिनके डिफरेंट आर ग्रुप्स हैं एंड दस फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. ये वो बीटा लैक्टम रिंग है जिसके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया आकर एक्ट करेगा. बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा. उसके अलावा एक साइड चेन यहाँ पर है जो एसाइल अमाइनो साइड चेन है और एक कार्बोक्सिलिक साइड चेन है. और ये दूसरा रिंग है, ये देखें दोनों रिंग फ्यूज कर रहे हैं, बीटा लैक्टम रिंग भी और थायजोलाइडीन रिंग भी. पेंसिलिन जो है नेचुरल पेंसिलिन है जो कि पेंसिलिन मोल्ड से आई है एंड डू नॉट रिक्वायर फर्दर मॉडिफिकेशन. एग्जांपल जो नेचुरल की है उसमें पेंसिलिन जी है. सिंथेटिक पेंसिलिन एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन. पेंसिलिनेज रेजिस्टेंस क्लोक्सासाइलिन एंड नेफिसिलिन, ये सारी पेंसिलिन के मेंबर्स हैं. और एक्सटेंडिंग स्पेक्ट्रम इसके अंदर पेप्रासाइलिन टेजोबैक्टम टिक्रोसाइलिन एंड क्लेव्यूलेनिक एसिड. ये जो क्लेव्यूलेनिक एसिड है ये और एमोक्सिसिलिन, ये दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर ऑगमेंटम में यूज होते हैं. ऑगमेंटम एंटीबायोटिक बहुत कॉमनली यूज होती है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेंसिलिन. पेंसिलिन द बैक्टीरियोसाइडल. पेंसिलिन जो है बैक्टीरिया को किल करेगी. ये सीडल है, स्टैटिक नहीं है, ये सीडल है. बैक्टीरियोसाइडल किल बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग. अच्छा, बैक्टीरिया जो होता है उसके सेल वॉल के अंदर उस एक कंपोनेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स. उस पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये है उसको जो है उसको उसके ऊपर जाकर ये अफेक्ट करती है ड्रग जो है. उसकी वजह से सेल वॉल के अंदर होल्स बन जाते हैं. जब बैक्टीरिया डिवाइड होने लगता है तो उसकी सेल वॉल में जो होल्स होते हैं उनकी वजह से वो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो सकता, उन फिल नहीं कर सकता उन गैप्स को. पेंसिलिन द बैक्टीरियोसाइडल किल बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन्स व्हिच क्रॉस लिंक पेप्टाइडोग्लाइकेन्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल. व्हेन बैक्टीरिया डिवाइड्स इट कैन नॉट फिल होल्स लेफ्ट इन इट्स सेल वॉल. पेंसिलिन इंड्यूस बैक्टीरियल ऑटोलेटिक एंजाइम्स. उसके अलावा पेंसिलिन ये कहता है कि जो बैक्टीरिया के अंदर ऑटोलेटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी बैक्टीरिया सेल जो है वो अपने ही एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और अपनी उन एंजाइम्स की वजह से उसकी ऑटोलेटिक डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं. इसलिए वो बैक्टीरिया के अंदर ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है कि बैक्टीरिया खुद अपने आप को किल कर लेता है. पेंसिलिन रेजिस्टेंस कैसे शो होती है, बैक्टीरिया कैसे पेंसिलिन के अगेंस्ट अनइफेक्टिव रहता है. पेंसिलिन रेजिस्टेंस इज अ मेजर प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द एंटी बैक्टीरियल ड्रग बाय बैक्टीरियल प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टमेज. बीटा लैक्टमेज एंजाइम है जिसकी जीन प्लाज्माइड एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के अंदर. गोल सा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के अंदर जिसको प्लाज्मिड कहते हैं. उस प्लाज्मिड के ऊपर वो जीन्स होती हैं जो कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं. बीटा लैक्टमेज बीटा लैक्टम रिंग को जो अनइफेक्टिव कर देता है. बीटा लैक्टम रिंग जो है वो किल पेंसिलिन के स्ट्रक्चर में था जिसकी वजह से बैक्टीरिया की किलिंग हो रही थी. अब वो क्या करेगा, उस एंजाइम के अगेंस्ट बीटा लैक्टमेज रिंग बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस कर देगा. और ये जो प्लाज्माइट है बैक्टीरिया के ऊपर सर्कुलर स्ट्रक्चर का प्लाज्माइट स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जीन्स होती हैं, ऐसी जीन्स जो रेजिस्टेंस शो करती हैं. और ये जीन्स पर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होती है. तो इस वजह से जो है वो बैक्टीरिया फिर क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, बहुत सारे फिर बैक्टीरिया होते हैं जो कि पेंसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं. ये बात समझ आई है. अच्छा, जो पेंसिलिन है ये सिर्फ सेल वॉल के ऊपर इफेक्ट करेगा. पेंसिलिन ऐसा बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा निमोनी कॉज करता है. माइकोप्लाज्मा उसकी सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है. तो अगर पेंसिलिन देंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेल वॉल नहीं है.
पेंसिलिन याद रखें सेल वॉल की डिस्ट्रक्शन करेगा. अल्टरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स दैट आर एंटी माइक्रोबियल टारगेट्स, जो प्रोटीन्स होंगी पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स उनकी भी अल्टरेशन कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा बैक्टीरिया जो होगा. और तीसरा क्या करेगा, चेंज इन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की एंट्री जो होगी बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगी, उसकी जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है वो अफेक्टिव वो चेंज हो जाएगी, तो अपने अंदर जो है उसको आने नहीं देगी ड्रग को, बैक्टीरिया नहीं आने देगा. कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी का? नो मैम. आवाज बहुत ऐसा है आप लोगों की. क्वेश्चन है तो हाथ रेज कर दे, हैंड रेज कर दे, पता चल जाएगा. नो मैम कोई क्वेश्चन नहीं. पहले वाले में बीटा लैक्टम और बीटा लैक्टमेज एंजाइम, बीटा लैक्टमेज एंजाइम. आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? नो मैम आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है मेरी भी. एक मिनट जरा वेट करें. That's kind of, you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन डिस्टॉर्ट. मैम कोई और बच्चे अनम्यूट है कि उसकी वजह से अवश्वर हो रहे
स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब ठीक है। अब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम। यस मैम। इसमें ये था कि पेंसिलीन जो है ना, पेंसिलीन बाइंडिंग प्रोटीन्स है, वो एसेंशियल प्रोटीन्स है जिनके साथ जाकर बीटा लैक्टम रिंग बाइंड करता है। ये जो प्रोटीन्स है ये हेल्प आउट करती है बैक्टीरिया को उसकी सेल वॉल सिंथेसिस में। तो क्या होता है, पेंसिलीन जो है वो डिस्ट्रक्शन करती है इस प्रोटीन्स की, और दूसरा वो क्या करती है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देता है। जब बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस हो जाता है तो बीटा लैक्टम रिंग इनएक्टिव हो जाता है। बैक्टीरिया कोशिश करता है कि वो अपना इनएक्टिव कर दे बीटा लैक्टम रिंग को, उस रिंग को जो कि जाकर बाइंड कर रहा है प्रोटीन्स के साथ और सिंथेसिस नहीं होने दे रहा सेल वॉल की। तो ये आपको बात अभी तक समझ आई है? जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसके अंदर कंपोनेंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, ये क्रॉस लिंक्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन्स है उसके अंदर। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन्स सेल वॉल सिंथेसिस कर रहे हैं, उसका कंपोनेंट है बैक्टीरिया का, उसकी सेल वॉल का। अब जब हम पेंसिलीन दे रहे थे तो ये सेल वॉल की डिस्ट्रक्शन कर रहा था, उसके अंदर पेंसिलीन के अंदर जो स्ट्रक्चर था बीटा लैक्टम रिंग, ये रिंग जाकर पेंसिलीन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो बैक्टीरिया के ऊपर है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर उसके साथ बाइंड कर रही थी, बीटा लैक्टम रिंग बाइंड कर रहा था और उसकी किलिंग कर रहा था। अब और तीसरा ये क्या करता है, पेंसिलीन जो है ऐसे ऑटोलेटिक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जिनकी वजह से खुद एंजाइम अपनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा और खुद ही अपनी डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, अब एक तो उसकी सेल वॉल में होल्स बन जाएंगे और दूसरा वो अपनी खुद ही किलिंग कर रहा है। रेजिस्टेंस इस तरह होगी कि बैक्टीरिया के ऐसी जीन्स बना लेगा बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड के ऊपर, वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड, उसके ऊपर ऐसी जीन्स बना लेगा, उन जीन्स की वजह से उनमें ऐसी मॉडिफिकेशन कर देगा कि उन जीन्स की वजह से जो है वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, बैक्टीरिया किल नहीं हो सकेगा। ऑल्दो हम एंटीबायोटिक देंगे लेकिन बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा उसकी वजह से। उसके अलावा जो उसकी प्रोटीन्स थी जिनके साथ बीटा लैक्टम रिंग आकर बाइंड कर रहा था, उन प्रोटीन्स को भी वो अल्टर कर देगा ताकि बीटा लैक्टम रिंग जो था पेंसिलीन का वो जाकर बाइंड ना कर सके। और तीसरा वो क्या करेगा कि अपने अंदर एंटीबायोटिक को आने नहीं देगा, वो परमेबिलिटी चेंज कर देगा अपनी। ये तीन चीजें इसमें करेगा। किसी को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है, पेंसिलीन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो थी मेम्ब्रेन के ऊपर वो उनके साथ बीटा लैक्टम रिंग एंटीबायोटिक का जाकर बाइंड कर रहा था। अब क्या होगा कि पेंसिलीन बाइंडिंग प्रोटीन्स अपने आप को चेंज कर लेंगी। दूसरा ये होगा कि सेल वॉल के अंदर
होल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ऑटोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था जो कि बैक्टीरिया की खुद ही किलिंग कर रहा था। अब क्या होगा कि वो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग के थ्रू एंटीबायोटिक जा रही थी, अब उसने क्या कर दिया कि प्लाज्मिड जो उसका स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया के अंदर उसमें ऐसी जीन्स बना ली हैं कि वो रेजिस्टेंस शो कर रही हैं पेंसिलिन को, और वो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वो जीन्स ट्रांसफर करता है, तो इसलिए फिर पेंसिलिन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुकी है। यूज्ड अब ये इसके यूजेस हैं कि कहाँ कहाँ यूज हो रही है पेंसिलिन। ईयर इन्फेक्शन में जैसे मैंने बताया बच्चों में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, इसके वो आते हैं इंजेक्शन आते हैं 6 लाख 12 लाख वाले यूनिट होते हैं। ईयर एंड लंग इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जितने भी इंट्रा एब्डोमिनल, और उसके अलावा सिफिलिस और गोनोरिया। ये सिफिलिस और गोनोरिया दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनीमा पैलेडियम से होता है, गोनोरिया गोनोराया से होता है, तो ये दोनों जो है इनके अगेंस्ट भी ये पेंसिलिन दी जाती है। सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट इसका ये कि ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी कर देता है, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी। जब पेंसिलिन को दिया जाता है तो पेंसिलिन को पहले फोर आर्म के ऊपर चेक किया जाता है कि इसके अगेंस्ट कितना रिस्पॉन्स शो करेगी बॉडी, कितनी एग्जेजरेट होगी। कुछ लोगों में तो पेंसिलिन नॉर्मली दे देगी कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग जो होंगे वो सेंसिटिव होंगे, वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करेंगे। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी ये होती है कि कुछ लोगों के लिए जो हार्मलेस चीज है वो दूसरे लोगों के लिए बहुत ही सिवियर और हार्मफुल बन गई है। मानूर ने क्या पूछना है? मैम मैं दूसरे सेक्शन की, मैंने आपसे कहना था कि मैं सुबह आई थी तो अटेंडेंस मैंने नहीं लगवाई, आप लगा देंगी मेरी? अच्छा ठीक है। आजकल वैसे भी आप लोगों के पेपर्स वगैरह हो रहे थे तो फिर उसमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि हमारी अटेंडेंस नहीं लगी हुई है, हमारी अटेंडेंस का इशू है, हमारा पेपर हो रहा है, तो फिर उनके लिए मैंने यही कहा था कंटिन्यू फिर देखे ठीक है आपका भी लगा दूंगी। अच्छा दूसरा, नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज के अंदर जो रेनल टिब्यूल्स में होगा वो कॉज कर देगा डायरिया, वॉटरी या ब्लडी डायरिया, न्यूरोटॉक्सिसिटी, हीमाटोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज कॉज करते हैं, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। सबसे ज्यादा ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी कर रहा है और डायरिया वगैरह करते हैं। एडवांटेजेस इसके ये कि एसिलेंट टिश्यू पेनिट्रेशन, बैक्टीरियोसाइडल अगेंस्ट सेंसिटिव स्ट्रेन्स, इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा इसकी प्राइस नहीं होती। मॉडिफाइड पेंसिलिन्स आर रेजिस्टेंस टू स्टमक एसिड एंड हैज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव है। एफिकेसी, एफिकेशियस इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। एडवर्स इफेक्ट, मोस्ट पेंसिलिन्स आर डिस्ट्रॉयड, कुछ पेंसिलिन ज्यादातर ऐसी थी कि जो गैस्ट्रिक एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती थी, लेकिन अब मॉडिफाइड आ चुकी हैं। पेंसिलिन लैक एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट समहाउ ये इतने एक्टिव नहीं है। शोज ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और कुछ अर्से बाद इसको बार बार देना पड़ता है कुछ इंटरवल्स के बाद। जैसे जो पेंसिलिन का वो जो होता है 6 लाख वाला 12 लाख वाला जो इंजेक्शन होता है हर 21 डेज के बाद ये शायद इससे भी कम टेन्योर होता है जिसमें दोबारा इंजेक्ट किया जाता है। अब दूसरा ग्रुप है ये सिफेलोस्पोरिन्स, बीटा लैक्टम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स, ये बिल्कुल पेंसिलिन की तरह का है, उसी तरह का जिन लोगों को पेंसिलिन हाइपर सेंसिटिव टू पेंसिलिन है वो सिफेलोस्पोरिन देते हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है और ड्रग या ड्रग इंट्रैक्शन होती है कि अगर एक ड्रग के साथ इसको दे देंगे तो उस ड्रग का इफेक्ट ये कम कर देती है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं। बीटा लैक्टम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स डिराइव्ड सेमी सिंथेटिकली फ्रॉम सिफेलोस्पोरिन सी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस सिफेलोस्पोरियम एग्रीमोनियम, इस फंगस से ये ड्राइव्ड की हुई है, जैसे वो मोल्ड से था ये सिफेलोस्पोरियम से ड्राइव की हुई है। सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी पेंसिलिन की तरह प्रॉपर्टीज हैं बट मोर वाटर सॉल्युबल, एसिड स्टेबल है, बैक्टीरियोसाइडल एंड इंटरफेयर प्राइमरी विद द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल।
ये जो है ये बैक्टीरियोसाइडल है, जिस तरह पेंसिलिन भी बैक्टीरियोसाइडल थी। बैक्टीरियोसाइडल होता है किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया, और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक टर्म होती है जब स्टेसिस कर दे, रोक दे, स्टेसिस करते हैं कि रुक जाना। तो जब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्टेसिस हो जाएगी तो बैक्टीरियोस्टैटिक होगा, और सीडल होता है जब उसकी किलिंग कर दी जाए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिस तरह वो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर रही थी, ये किसके साथ बाइंड कर रही है? ये सिफेलोस्पोरिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ सिफेलोस्पोरिन बाइंड करेगा। फाउंड एज मेम्ब्रेन बाउंड एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स हैं, इनके साथ ऊपर जाकर ये बाइंड करेगा। द ड्रग ऑक्यूपाई एक्टिव साइट ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स एंड इनएक्टिवेट इट। अब ड्रग जो है जब वो बाइंड कर जाएगा तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है बैक्टीरिया का, जिसको इनएक्टिव करेगा, ताकि क्या हो, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सिंथेसिस है वो ना हो सके। सिमिलरली ड्रग इनहिबिट कार्बोक्साइल पेप्टाइडेशन रिएक्शन आल्सो। कार्बोक्साइल पेप्टाइडेशन और ट्रांसपेप्टाइडेज, ये दोनों मिलकर सेल वॉल सिंथेसिस कर रहे थे। जब इसके ऊपर जाकर बाइंड कर जाएगी सेफेलोस्पोरिन, सेफेलोस्पोरिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बैक्टीरिया की, तो ये जो उसकी सिंथेसिस है सेल वॉल की वो रुक जाएगी। दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इंटीग्रिटी। सेल वॉल सिंथेसिस रुक गई, सेल वॉल उसकी बन नहीं सकेगी। फ्यू एसिड स्टेबल एंड गिवन ओरली, कुछ ही हैं जो एसिड स्टेबल है। Others are mainly by par internally देंगे, intramuscularly या intravenously, widely distributed in the body tissues and fluids, kidneys वगैरह के में जाएगा। Some third, अच्छा अब इसकी कुछ generations होती हैं, हम इसको classify करते हैं first generation, second generation, third generation और fourth generation के अंदर। इसमें से थोड़ी थोड़ी examples आपको पता होनी चाहिए, जैसे सेफाजोली first generation member है, यानी ये इसकी क्लासिफिकेशन है। पहली जनरेशन आई, फिर इसकी पता चला दूसरी जनरेशन आई, तो उसमें पता चला कि ये जो है सिफेलोस्पोरिन की तरह की ड्रग्स नहीं है। फिर थर्ड जनरेशन में कुछ हमने क्लासिफाई कर दी, जिसका हमने सिंथेटिक और नेचुरली एक्टिंग पेंसिलिन्स थी। इसी तरह ये भी मुख्तलिफ इनके ग्रुपिंग कर दी हमने, पाँच ग्रुप्स बना दिए इसमें। तो ये थोड़ी थोड़ी जैसे सेफीप्राइन और सेफाजोलिन जो है ये सर्जिकल वुंड्स के लिए दी जाती है। इनका एक अलग चार्ट अगले लेक्चर में मैं शेयर कर लूंगी, या वैसा इसके साथ अटैच कर दूंगी, ताकि आप देख ले कौन सी ड्रग बर्न पेशेंट को दी जा रही है, कौन सी ड्रग जो है वुंड में दी जा रही है, कौन सी ड्रग जो है वो कौन से इन्फेक्शन में दी जा रही है। तो इसका मैकेनिज्म भी यही है कि सेल वॉल सिंथेसिस को ये इनहिबिट करती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सिंथेसिस होती है उसके ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी, और उसकी जो कार्बोक्साइल पेप्टाइडेशन है उसको इनहिबिट करेगी। अच्छा, ये जो है क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस भी इसी फेलोस्पोरिन जो है मेनिनजाइटल इन्फेक्शन जो हो जाते हैं उसमें यूज हो सकती है, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज ब्रेन के अंदर ये यूज हो जाती है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, इसलिए मेनिंजाइटिस में इफेक्टिव है ये ड्रग। एक्सक्रीटेड बाय किडनी, और इन लिखा है थर्ड जनरेशन आल्सो सिक्रीटेड बाय टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होगी या बिलरी ट्रैक के थ्रू एक्सक्रीट होगी, बाइल के थ्रू। फर्स्ट जनरेशन जो है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकेंड जनरेशन इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, थर्ड जनरेशन जो है वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, और फोर्थ जनरेशन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव है। इसके एडवर्स इफेक्ट सिमिलर टू पेंसिलिन होंगे, एलर्जिक रिएक्शन सिफेलोस्पोरिन से भी हो सकता है, GIT डिस्टर्बेंसेस कर सकती है, सुपर इन्फेक्शन कर देती है, और जहाँ पर इसको इंजेक्ट करेंगे वहाँ मस्कुलर पेन होगी, पेशेंट जो होगा लिथार्जिक हो जाएगा, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट सिफेलोस्पोरिन का जो है वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर देगा। सिमिलर इसी तरह नेफ्राइटिस जो था वो पेंसिलिन में होता, उसके अलावा हेपेटाइटिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कर देता है।
कॉन्ट्राइंडिकेशन पेंसिलिन की भी है कि जब हाइपर सेंसिटिव होगा कोई पेशेंट किसी भी ड्रग के अगेंस्ट अगर हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है तो उस ड्रग का और हिस्ट्री दे रहा है कि मुझे हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, मेरी हिस्ट्री है कि ड्रग में नहीं ले सकता, तो आपने ख्याल रखना है कि वो ड्रग देनी ही नहीं। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंट वुमेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल टिश्यूज को इफेक्ट करेगी। यही वजह है कि पेंसिलिन जो होती है उसको फोर आर्म पर यानी बाजू के ऊपर लगाकर पहले चेक कर लिया जाता है। फोर आर्म जो एल्बो से पहले शुरू का जो होता है रिस्ट और एल्बो के दरमियान जो होता है थोड़ी सी इंजेक्ट करके पेंसिलिन देख ली जाती है कि पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है। उस एरिया पर जहाँ पर एक सर्कल सा बनाते हैं पेन से और उसके बाद उसको इंजेक्ट करते हैं पेंसिलिन को देखने के लिए कि पेशेंट हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है, बॉडी क्या रिएक्ट करती है पेंसिलिन के अगेंस्ट। पेंसिलिन जो है ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी यही है कि एक ड्रग आएगी उसको आपने बॉडी में इंजेक्ट किया, वो ड्रग जो है वो बाइंड कर जाएगी बॉडी की किसी मेम्ब्रेन के साथ स्ट्रक्चर के साथ और फिर वो जो बॉडी है वो उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस लेकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी पेंसिलिन के अगेंस्ट तो पेंसिलिन और एंटीबॉडी कंबाइन कर देगा और ऐसे सिग्नल्स जनरेट करेगा कि ये तो नई चीज आ गई है पेंसिलिन, तो उसके अगेंस्ट कुछ लोगों में बहुत ज्यादा बॉडी रिएक्ट कर जाती है, वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ये हाइपर सेंसिटिविटी की अगर आपने कभी पढ़ी हो कई टाइप्स होती है, उनमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जो ड्रग की वजह से हो जाता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है गलत इंटरप्रीट कर देता है कि ड्रग जो है उसको फॉरेन सब्सटेंस ले लेता है। ड्रग इंट्रैक्शन है कि सिफेलोस्पोरिन कुछ ड्रग्स के साथ के इफेक्ट को अफेक्ट करेगी, उसमें सिमिलर टू पेंसिलिन भी इन ड्रग्स के साथ अफेक्टिव होगी, मतलब इन ड्रग्स के साथ ड्रग इंट्रैक्शन शो करेगी। उसमें कॉन्कोमिटेंट यूज अगर इसको अमाइनो ग्लूकोसाइड्स के साथ और लूप डायुरेटिक्स के साथ दिया जाए जैसे फ्लूसिमाइड के साथ दिया जाए तो ये क्या करेगा नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देगा, सिफेलोस्पोरिन और ये दोनों ड्रग्स इकट्ठी नहीं देगी डायुरेटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स जैसे फ्लोरामफेनिकॉल है इसके साथ सिफेलोस्पोरिन को देंगे तो उसके बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी जो भी उसके साथ इंटरफेयर कर जाएगा उसको अफेक्ट करेगा, सिफेलोस्पोरिन इतनी अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर सकेगा। विद प्रोबेनिसाइड इंक्रीज एंड प्रोलॉन्ग प्लाज्मा लेवल बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग रेनल ट्यूबुलर स्ट्रीशन जो होती थी किडनीज के थ्रू वो नहीं होने देगा ये मैंने प्रोबेनिसाइड के साथ दे दिया। और ये सारी इसकी जनरेशन है। क्लोरामफेनिकॉल का किसी को साइड इफेक्ट याद है जो मेजर साइड इफेक्ट है? क्लोरामफेनिकॉल ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है, अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में उसकी स्लाइड भी है, उसमें पैचेस बना देता है बेबी के क्योंकि उसकी जो लिवर होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, सो सही तरह ग्लूकोरोनिडेशन जो हो रही होती है तो आपको पता है लिवर के अंदर P450 इंजाइम सिस्टम होता है वो ग्लूकोरोनिडेशन करता है ड्रग्स की, ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो जब बच्चों के अंदर एक्सक्रीट आउट सही नहीं हो रही थी ड्रग तो वो एक्युमुलेट हो जाती है और उसकी वजह से पैचेस से बन जाते हैं जिनको ग्रे बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसकी पूरी स्लाइड है पिछले लेक्चर में। कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। इनकी जो थोड़ा सा ना आप ये याद रखेगा कि कौन सी ड्रग ताकि जब भी कहीं पर आएंगे तो आपको पता हो कि हमने ड्रग पढ़ी हुई और इसी फेलोस्पोरिन ग्रुप के अंदर आती है, ये सारे उसके मेंबर्स हैं। इनको बस फर्क है कि इनमें फर्स्ट जनरेशन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस जनरेशन का नाम दे दिया। ठीक है, ये सबसे आसान जो उसमें टेबल था वो है। इसमें थोड़ी सी ये जैसे सेफाजोलिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, सेफालेक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, सेकंड जनरेशन के अंदर सेफाक्लोर बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये याद करनी पड़ेगी। इनको आप फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड ऐसे डिवाइड करके अब फिफ्थ जनरेशन इसकी नया है जो फोर्थ से भी ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स है और सारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही इफेक्टिव है। इसमें थोड़ी सी मैं मॉडिफाई और कर दूंगी, इसमें एक टेबल अगर कहीं से मिल गया कि बर्न पेशेंट में कौन सी ड्रग्स यूज हो रही है, सिफेलोस्पोरिन कौन कौन सी यूज हो रही है, और ये बहुत ज्यादा दी जाती है सिफेलोस्पोरिन भी,
वो आपको इसमें डाल देंगे यूटीआई इन्फेक्शन के लिए कौन सी है, कौन सी किस इन्फेक्शन के लिए। कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज कर ले। आज आप लोग की स्ट्रेंथ कम है। अब आप लोग के मंडे को लेक्चर है, किसी को कुछ आइडिया है मंडे को? मैम है अभी तो छुट्टी दे दें। छुट्टियां हो गई हैं मैम? नहीं छुट्टियां तो तीन ही हैं, लेकिन अगर मंडे को भी क्लास है तो मैं ऑफ दे दें। आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे जरा टाइप करके ना ग्रुप में बता दें कि मंडे को क्लास है कि नहीं। आप लोग की तो नहीं है लेकिन ए बैच की है, तो मैं उसके लिए पूछना चाह रही हूँ कि मंडे को उनको लेक्चर डिलीवर करना है कि नहीं करना। सर आप कंफर्म कर दें आप लोग के अपने जो मंडे को क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी। इस वक्त यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई है नहीं तो मैं पूछ लेती वरना। चले थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पढ़ना शुरू करें। ये वाले टॉपिक्स जो आखिर में पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक्स और उसमें पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फिर उसके बाद वो सल्फोनामाइड्स, उसके अलावा जो इससे शुरू शुरू में ड्रग्स पढ़ाई हैं, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स फिलहाल छोड़ दें वाइवा के लिए, ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, इनको पढ़ लें। इसके अलावा आपका इससे रिलेटेड एक टॉपिक रह गया मैक्रोलाइड्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स, वो फिर छोड़ दें वाइवा के लिए, बाद में कर लेंगे ठीक है। या अगर वाइवा की डेट आपकी एग्जाम ये ईद के बाद थोड़ी दूर हुई तो पहले कर लेंगे वो टॉपिक भी इंक्लूड, लेकिन ये वाले टॉपिक यहाँ तक पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन ये सारे इंक्लूडेड हैं ठीक है। फंगल वगैरह वो छोड़ दें, और जो आपके शुरू के टॉपिक थे जीआईटी से रिलेटेड थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं था उसमें, जीआईटी थायराइड वगैरह के जो शुरू के टॉपिक थे चार पांच वो शामिल होंगे वाइवा के अंदर ठीक है, ताकि टॉपिक जो पीछे वाले हैं वो ना भूल जाएं, वो जल्दी रिवाइज हो जाएंगे वो, और ये कीमोथेरेपी जितनी पढ़ाई है एंटीबायोटिक्स ये शामिल होगी। इसके बाद आपके दो टेस्ट होंगे, एक इससे ही रिलेटेड होगा जो आपका फॉरन मेरे ख्याल में जब आप आएंगे तो मैं ले लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर वाइवा शुरू हो जाएंगे। अच्छा है वाइवा के लिए आप ये पढ़ें टॉपिक्स, यही टेस्ट के लिए आएंगे जो कीमोथेरेपी है। और इसके अलावा एक और टेस्ट होगा आखिरी जो एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स का होगा, और उसके बाद फिर आपका एंड ऑफ द लेक्चर्स हो जाएंगे ठीक है। अभी आपके तीन लेक्चर्स रहते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स रहती हैं और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन रहता है, और एक टॉपिक और रहता है इसके अंदर से मैक्रोलाइड्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? और अब जो टेस्ट आएगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्योंकि फाइनल के अंदर फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको फिर मुश्किल लगेंगे अटेम्प्ट करने। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।